नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम है अमित जैन, श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी योजना के वीडियो नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। आज हम बात करेंगे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय की पढ़ो परदेश योजना। जो भी विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, लिस्टेड माइनॉरिटीज के विद्यार्थी, उनके लिए यह योजना सरकार ने लागू की है। दोस्तों, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मुख्य रूप से 6 लाख रुपए या उससे कम आपके परिवार की वार्षिक आय, एनुअल इनकम होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होते हो। उसके अलावा आपके कोर्स के लिए जो आपने अप्लाई किया है, वहां का एडमिशन आपने प्रोसेस पूर्ण करी है, वह सारे पेपर्स जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी है विदेश में, वहां पर आप जब पढ़ाई करने जाते हो तभी आपको यह ऋण, जो आपके लिए सब्सिडी है, इंटरेस्ट फ्री सब्सिडी आपको इस लोन पर मिलती है। दोस्तों, जो भी आपका कोर्स का जो पीरियड है, कालावधि है, उस अवधि के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं भरना है। कोर्स पूर्ण करने के बाद अगर आपको जॉब लग जाती है तो पहले 6 महीने तक आपको इंटरेस्ट नहीं भरना है। मान लीजिए आपको जॉब नहीं लगती है तो आपको अतिरिक्त, कोर्स पूर्ण होने के बाद मॉरेटोरियम पीरियड हम जिसे कहते हैं, अतिरिक्त 1 बरस का पीरियड आपको मिलता है। तब तक भारत सरकार बैंकों को आपका इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट भरती है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ईएमआई शुरू होता है। इसी बीच आपको बता दूं, यह स्कीम सब्सिडी इंटरेस्ट के लिए है। जो मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है लोन का, वह आपको चुकाना ही पड़ेगा पीरियोडिकली। और साथ ही इसका जो अधिकतम, जहां पर आप ऋण ले सकते हो, लोन ले सकते हो, उसकी व्याख्या 20 लाख रुपए तक करी गई है। उसके ऊपर आपको लोन नहीं मिलता है। बैंकों के पास सॉफ्टवेयर होता है, जो शेड्यूल्ड बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक्स है, इनके पास आपका जो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वह एप्लीकेशन फॉर्म वे प्रोसेस कर इंडियन बैंकिंग और एसोसिएशन के माध्यम से, आईबीए के माध्यम से, जो भी बैंक्स है, वे यह एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भेजती है और तभी आपका लोन अप्रूव या रिजेक्ट इस प्रकार से होता है। उम्मीद है आज की जानकारी, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अन्य जानकारी के साथ जल्द ही आपके साथ नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र।